Hey friends, welcome back to my channel. तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ बैड गाय माय बॉस के एपिसोड 4 के पार्ट 1 को। और अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए ताकि आप लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ जाए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत उसी जगह से होती है जब पैट ने एस को अपने घर के बाहर देखा था और वो पैट से ये कह रहा था कि एस ने पैट को कहा था कि वो बीमार है तो उसे छोड़कर ना जाए। ये कहते कहते वो पैट के पास आ रहा था और वो गिरने वाला था, पर पैट ने उसे संभाल लिया था। और एस अगेन पैट से कहता है कि जब तक वो बीमार है तो पैट को उसका ख्याल रखना होगा उसके ठीक हो जाने तक। पैट उसे कहता है कि ठीक है और ये कहकर वो उसे अपने घर के अंदर ले जाता है। अगले सीन में पैट को अपने घर पे दिखाया जाता है और वो बहुत नर्वस होता है कि वो एस का ख्याल कैसे रखे। एस को फीवर है तो पैट को उसे पानी से क्लीन करना होगा और वो हिम्मत कर रहा होता है कि वो ये चीज कर सकता है। और वो किसी तरह एस के पास जाता है और अपने आप से कहने लगता है कि बस एस को क्लीन ही करना है जब तक उसकी तबीयत ठीक ना हो जाए। और उसके बाद वो एस को अपने घर जाने को कहेगा और ये कोई भी बड़ी बात नहीं है, वो ये कर सकता है। ये कहकर वो एस के शर्ट के बटन को खोलने लगता है और उसके नेक और सीने को क्लीन करने लगता है। पर एस को अपने इतने करीब देखकर उसे वो सारे याद आने लगती है जब एस उसके करीब उसे किस करने आया था और इसके बाद जब उसने पैट को उसके घर पर आकर किस किया था। ये सब याद करके वो सीरियस होने लगता है और वो धीरे धीरे एस के करीब उसे किस करने के लिए आ जाता है। पर उसे होश आता है कि वो ये सब क्या कर रहा है। वो अपने आप को संभालते हुए कहता है कि उसे बस एस को क्लीन ही करना है, उसके साथ कोई सेक्स नहीं करना है, बस एस की तबीयत जब तक ठीक ना हो जाए तब तक उसे वो क्लीन करेगा और इसके बाद वो उसे घर जाने को कहेगा, बस इतना सा ही करना है। तभी एस नींद जग कर उठ कर बैठ जाता है। पैट मुड़कर देखता है और वो घबरा जाता है। एस पैट से कहता है कि अगर पैट कंफर्टेबल नहीं है तो एस अपने घर जा रहा है। पैट उसे रोक कर कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो उसे क्लीन करेगा। एस उसकी बात सुनकर अपने शर्ट को उतार लेता है और कहता है कि वो उसे अच्छे से क्लीन करे। ये कहकर वो लेट जाता है तो पैट उसे क्लीन करने लगता है और उसकी हालत खराब होने लगती है। एस उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि सोने के बाद उसे पसीना हुआ तो क्या पैट उसके जांघों और उसके घुटने के पीछे भी क्लीन कर सकता है। पैट उसे कहता है कि ठीक है। ये कहकर वो हिम्मत करके उसके पैंट को उतारने लगता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। वो किसी तरह उसके थाई और नी के पीछे क्लीन करने लगता है पर इस चीज से वो सीरियस हो जाता है और एस उसका हाथ पकड़कर उसे अपने तरफ खींच लेता है। पैट बहुत नर्वस होता है पर वो बिल्कुल सीरियस भी हो चुका होता है और उसे कंट्रोल नहीं होता तो एस को लाइटली किस कर लेता है। पर इसके बाद वो अगेन एस को पैशनेटली किस करने लगता है और जिससे एस भी उसे किस करता है। वो पैट के ऊपर आ जाता है, उसके चश्मे को हटाता है और वो पैट को किस करने लगता है। वो उसके शर्ट को खोल देता है और उसके गाल, उसके नेक और उसके सीने पे किस करने लगता है जिससे पैट बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और इस उसके बॉडी के हर पार्ट पे किस कर रहा होता है। वो उसे घुमाकर उसके बैक नेक पे किस करता है और अगेन उसके लिप्स पे किस करने लगता है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। आगे हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ एरिस की नींद खुलती है और उसके सामने पैट बिना कपड़ों के दूसरी तरफ मुंह घुमाकर बैठा होता है। एस स्माइल करके आकर उसे पीछे से हग कर लेता है और उसे गुड मॉर्निंग कहता है। वो बहुत खुश होता है पर जब वो लड़का मुड़ता है तो वो पैट नहीं होता बल्कि वो रन होता है, उसका एक्स बॉयफ्रेंड। उसे देखते ही एस की नींद खुल जाती है, यानी कि वो ये चीज सपने में देख रहा था। वो उदास होकर सोचने लगता है तभी पैट की भी नींद खुलती है और वो बहुत खुश होता है। वो स्माइल करके आकर उसे पूछता है कि क्या वो ठीक है। एस उसे कहता है कि उसे बस बुरा सपना आया था तो पैट उसे पीछे से हग करके सहलाने लगता है और कहता है कि बस पूरा सपना था तो वो ज्यादा ना सोचे। ये कहकर उसके कंधे पे अपना सर रखता है, एस उसके माथे पे किस करता है और उसे कहता है कि वो नहाने जा रहा है। ये कहकर वो वॉशरूम चला जाता है जिससे पैट उदास हो जाता है। आगे एरिस को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है और वो अब भी परेशान बैठा होता है। उसे अगेन एक सपना आता है जहाँ वो सपने में रन को देखता है और वो उसे हैप्पी बर्थडे बोल रहा होता है हाथ में केक लेकर। उसे कहता है कि वो विश मांगे और ये केक उसने खुद बनाया है, ये खाकर वो टेस्ट करे। उसके पास एरिस के लिए एक बर्थडे गिफ्ट है। ये कहकर वो जाता है और उसके जगह पर पैट आ जाता है और उसे हैप्पी बर्थडे कहता है। पर तभी ऑफिस में पैट आकर एस को आवाज लगाने लगता है और एस की नींद खुलती है। पैट उसे कहता है कि क्या वो ठीक है, उसका चेहरा सफेद हो गया है। एस कहता है कि उसे बुरा सपना आया था। पैट कहता है कि क्या फिर से, और आज दोपहर में उसकी मीटिंग है तो क्या वो उस मीटिंग को कैंसिल कर दे। एस कहता है कि हाँ, वो रेस्ट करेगा। पैट कहता है कि ठीक है।
है? क्या उसे और किसी चीज की जरूरत है जिसे वो अच्छा फील करे? क्या उसे कोई अच्छी बुक चाहिए या फिर अच्छी रिलैक्सिंग म्यूजिक? एरिस उसे जोर आवाज में कहता है कि उसे अकेले रहना है, तो पैट उदास होकर वहाँ से चला जाता है। पर एरिस मुड़ कर उसे देखने लगता है क्योंकि वो जानबूझकर पैट को हर्ट नहीं करना चाहता, पर उसे ना चाहते हुए भी पैट को इग्नोर करना पड़ रहा है क्योंकि वो ये चीज समझ चुका है कि पैट उसके एक्स बॉयफ्रेंड की जगह ले रहा है। और वो शायद इसी चीज से घबरा रहा है कि पहले एरिस के साथ जो कुछ भी हुआ वो दोबारा ना हो। वही बाहर निकल कर पैट के पास जॉन का कॉल आता है और वो पैट को साथ में ड्रिंक करने के लिए बुलाने लगता है कि वो कल दूसरी जगह अपने काम से चला जाएगा, तो आज मिल लेते हैं। पैट उसे कहता है कि वो तो बहुत जल्दी वापस जा रहा है, वो लोग साथ में बहुत ही कम घूम पाए। जॉन कहता है तो वो आज आ जाए और उसके तरफ से ट्रीट है। पैट उसकी बात सुनकर जोर से सांस लेता है क्योंकि वो उदास होता है। जॉन समझ जाता है कि उसका मूड खराब है। वो उसे कहता है कि क्या उसके बॉस ने फिर से कुछ प्रॉब्लम किया। पैट कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जॉन कहता है कि क्या वो उसके साथ चलेगा अपने काम को छोड़कर उसके ऑफिस में उसके साथ काम करने? वो पैट के लिए अपने बॉस से भी बात करेगा। पैट कहता है कि नहीं। जॉन कहता है कि उसके कहने का क्या मतलब है? क्या वो जॉन के साथ काम नहीं करना चाहता या फिर उसके साथ ड्रिंक पे नहीं जाना चाहता? पैट कहता है कि दोनों। तभी एरिस पैट को अंदर बुलाने लगता है, तो पैट कॉल करके अंदर चला जाता है और वो स्माइल करके एरिस के पास जाता है। एरिस उसे कहता है कि वो उसके लिए रूम बुक करवाए। पैट कहता है कि क्या आज रूम बुक करवाना है? क्या वो रेस्ट नहीं करेगा? एरिस कहता है कि किम से मिलकर वो रेस्ट करेगा और वो किम के पास अकेले ही जाएगा। पैट को उसके साथ जाने की जरूरत नहीं है और ऑफिस का काम भी अब खत्म हो चुका है, तो वो घर जाकर आराम करे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। पैट उदास हो जाता है, पर वो किम को कॉल करता है और उसे कहता है कि एरिस ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। आगे रात में पैट को जॉन के साथ ड्रिंक करते दिखाया जाता है और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। जॉन उसे कहता है कि वो बस करे, पहले तो वो यहाँ पर आना नहीं चाहता था, अब वो आया है तो वो नॉन स्टॉप ड्रिंक ही किए जा रहा है। पैट उसे कहता है कि ये पैट का प्रॉब्लम है। जॉन उसे कहता है कि क्या वो उसे बता सकता है कि आखिर बात क्या हुई है, उसके दिमाग में आखिर क्या चल रहा है, वो उसे बताए। पैट कहता है कि वो बस परेशान है और उसे बस ड्रिंक करना है ताकि वो किसी और चीज के बारे में ना सोचे। तभी वो सोचने लगता है कि एरिस जो किम के पास उसे मिलने गया है और वो दोनों होटल पे एक दूसरे के साथ होंगे, दोनों बहुत खुश होंगे और वो दोनों जरूर इंटीमेट हो रहे होंगे। ये सब सोचकर वो अपना मुंह बना लेता है और कहता है कि दोनों साथ में जरूर बहुत खुश होंगे और वो जॉन का ड्रिंक लेकर पीने लगता है। जॉन उसे कहता है कि वो इतना ड्रिंक ना करे, पर वहीं दूसरी तरफ एरिस को किम के साथ डिनर करते हुए दिखाया जाता है, यानी कि पैट जैसा सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ और इस सच में बस किम के साथ डिनर करने ही आया है। उसका चेहरा अभी उतरा होता है, वो उदास होता है। उसे ऐसे देखकर किम कहता है कि क्या आज का खाना टेस्टी नहीं है? एरिस कहता है कि नहीं, खाना तो टेस्टी है। किम उसे कहता है तब क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है? क्या उसके दिमाग में कुछ चल रहा है? वो किम को बता सकता है अपनी प्रॉब्लम को, उसे बता कर वो अच्छा फील करेगा। एरिस उसे कहता है कि उसे फिर से वो सपना आया और सपने में रन पैट बन गया। उसकी ये बात सुनते ही किम घबरा जाता है और उसके हाथ का खाना उसके कपड़े पे गिर जाता है, क्योंकि किम ये बात अच्छी तरह से जानता है कि वो रन से बहुत ज्यादा प्यार करता था और अगर सपने में वो ये चीज देख रहा है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड जिसे वो इतना प्यार करता था उसकी जगह पैट ले रहा है। और किम ये बात समझ चुका है कि एरिस पैट से प्यार करने लगा है और तभी पैट उसके सपने में आ रहा है उसके एक्स बॉयफ्रेंड की जगह पर, और इसी चीज से वो डर गया क्योंकि वो भी तो एरिस से प्यार करता है, पर एरिस के मन में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। एरिस किम से कहता है कि क्या वो ठीक है, वो इसे धो ले वरना कपड़े में दाग रह जाएगा। तो किम वॉशरूम चला जाता है और इस पैट को मैसेज करता है कि वो क्या कर रहा है। वहीं पैट को अभी भी जॉन के साथ क्लब पे ड्रिंक करते दिखाया जाता है। उसके पास एरिस का मैसेज आता है, पर पैट उसके मैसेज को देखकर अपना मुंह फुलाकर बैठ जाता है और उसे रिप्लाई नहीं करता और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगता है। पर एरिस उसके मैसेज का वेट कर रहा होता है और वो कहता है कि पैट ने उसे रिप्लाई नहीं किया। तभी किम अपने सारे कपड़े उतार कर टॉवल में उसके पास आता है और उसे कहता है कि उसके कपड़े गीले हो गए, तो क्या वो एरिस के कपड़े पहन सकता है? एरिस उसे ऐसे देखकर उसके करीब आ जाता है और उसे अपना कोट उतार कर देता है और वहाँ से जाने लगता है, पर किम उसका हाथ पकड़ कर उसे रोकता है। एरिस उसे कहता है कि वो ये कपड़े पहन ले वरना उसे ठंड लग जाएगी, उसे कॉल करना है। ये कहकर वो उसका हाथ हटा कर वहाँ से चला जाता है। वहीं दिखाया जाता है कि पैट ड्रिंक करते करते वहीं पर सोने लगता है। जॉन उसे ऐसे देखकर कहता है कि उसने पैट को यहाँ पर बस ड्रिंक करने के लिए नहीं बुलाया था, पैट ने इतना सारा ड्रिंक किया और जॉन से बात भी नहीं किया। ये कहकर वो बिल वगैरह दे देता है। तभी पैट के पास एरिस का कॉल आने लगता है। जॉन पैट को आवाज लगाता है कि उसके फोन पे किसी का कॉल आ रहा है, पर पैट नहीं उठता, तो जॉन कॉल रिसीव करता है। एरिस उसकी आवाज सुनकर कहता है
कि वो तो पैट नहीं है, तो वो कौन है। शॉन उसे कहता है कि वो पैट का दोस्त है और वो फोन चेक करता है कि एस ने उसे कॉल किया है और वो कहता है कि क्या वो पैट का बॉस है। एस उसे कहता है कि पैट कहाँ है। शॉन को उसकी बात सुनकर हंसी आ जाती है। आगे वो पैट को बाहर ले जाता है पर पैट बिल्कुल भी होश में नहीं होता, पर शॉन उसे किसी तरह अपने पास लिए बैठा होता है। तभी वहाँ पर एस आ जाता है और वो शॉन से कहता है कि वो पैट को अपने साथ ले जाएगा। ये कहकर वो उसे उठाता है। शॉन उसे कहता है कि पैट बहुत लकी है कि उसका बॉस उसके लिए परेशान होकर उसे खुद लेने आ गया। एस उसे कहता है कि वो उसके लिए परेशान नहीं है, बस उसे पैट से ये पूछना है कि उसने इतना ड्रिंक क्यों किया जब एस ने उसे घर जाकर आराम करने को कहा था। शॉन कहता है कि लोग दो रीजन से ही ड्रिंक करते हैं, एक अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए या उस चीज को भूलने के लिए जिससे उन्हें तकलीफ हो रही हो। एस कहता है तब पैट ने ड्रिंक क्यों किया, क्या खुशी से या फिर तकलीफ से। शॉन कहता है कि क्या एरिस को नहीं पता पैट आज रो रहा था, उसने तकलीफ से ड्रिंक किया है। ये कहकर वो उसे छेड़ने लगता है और कहता है कि अब वो पैट को संभालने आ गया है तो वो डांस करने जा रहा है, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और एरिस पैट की तरफ देखने लगता है। आगे एरिस पैट को अपनी गोद में उठाकर पैट के घर ले जाता है और उसे उसके बेड पे सुलाता है, उसके चश्मे को उतार कर रख देता है और उसके करीब आकर स्माइल करके उसके सर पे हाथ फेरने लगता है। पर जैसे ही वो जाने वाला होता है पैट उसका हाथ पकड़ कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और वह दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। पैट धीरे धीरे नशे में अपनी आंखें खोलता है और स्माइल करने लगता है और एस को किस कर लेता है, तो एस भी उसे डीपली किस करने लगता है और कंटिन्यू उसके गाल और नेक पे किस करता है। तो पैट नींद में रोने लगता है और कहता है कि वो बहुत मतलबी है, वो पैट के साथ हमेशा मतलबी हो जाता है, उसके साथ हमेशा ऐसा ही करता है। पैट उसके लिए कौन है, उसके लिए क्या है। एस उसे कहता है कि वो रोए नहीं, ये कहकर उसके आंसू पोंछने लगता है और कहता है कि क्या वो हमेशा ऐसे ही सैड रहता है जब भी वो एरिस के साथ होता है। ये कहकर वो उसके माथे पे किस करता है और पैट के करीब आकर लेटता है, उसे अपने बाहों में ले लेता है। पैट रोने लगता है और रोते रोते ही सो जाता है और एरिस उसके सर पे हाथ फेर रहा होता है। और फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ इस पार्ट को यहीं पे खत्म करती हूँ और आज के लिए बस इतना ही, और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।